मुझे अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आ, 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 मुझे कमजोर मत समझो, मैं नहीं बताऊंगा। इसे मार देते हैं और इसका खून पी लेते हैं। शांत हो जाओ अमन, शांत हो जाओ अमन। कोई फायदा नहीं होगा, ये सब बकवास है। धनराज का प्लान कहां तक पहुंचा है हमें नहीं मालूम है, पर मेरे पास और एक तरीका है। मेरे दिमाग में अभी एक तस्वीर घूम रही है। चीफ, अब आप मुझे बता सकते हो? हाँ, हमें अब जल्द से जल्द उसे मारना होगा। जिस दिन मुझे इंजेक्शन दिया गया था, उस समय उनकी सोच में जो तस्वीरें थी वो सब की सब मेरे दिमाग में डाल दी गई थी। ब्लड मिस्ट उनका प्रोजेक्ट, वो शहर में सभी को वैम्पायर बना देना चाहते हैं, वो भी खून से जो वो सदियों से बनाते आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, देश के बड़े लोग उनके इस डस्ट प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होंगी ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सके। जब खून का धुआं पूरे शहर में फैल जाएगा, जो कि वैम्पायर का खून है, और किसी चैरिटी प्रोजेक्ट के नाम पे वो वैम्पायर में डेवलप किया गया है, उनका इरादा है कि पूरा शहर इससे ग्रस्त हो जाए। और उसके बाद वो शुरू करेंगे एक ऐसा आखिरी प्रोसेस जो शहर को पूरी तरह से बदल डालेगा। ड्रोन, उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा,
जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी। पहले मेरे दिमाग में कई सवाल आते थे, जैसे कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं। ना मरने का कारण क्या है? और मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? इन सवालों के जवाब मुझे पहले ही मिल चुके हैं और वही जवाब मुझे यहां तक लाए हैं। अब मेरे साथ अलग अलग तरह के दोस्त हैं, इंसान भी और वैम्पायर भी। सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जैसे कि कबीर, एक इंसान जिसमें इंसाफ को ढूंढने की काबिलियत है और जज्बा भी है। काबिलियत के दम पर ही वो अपने हर काम को अंजाम देता है। और सूजन, जिसके लिए कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, वो चीजों को जानती है, उन्हें परखती है और हर मुश्किल का हल निकालती है। लेकिन कानून ही कभी कभी उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। वहीं एक तरफ श्रेया है जो कि हर बात से घबरा जाती है और डर से बाहर निकलने की कोशिश में उसका सामना वैम्पायर से हुआ और डर से भी, और वो हमारी टीम का हिस्सा बन गई। अब ये दोनों ही लड़कियां बहुत निडर बन चुकी हैं। अब ये किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हैं। वहीं एक तरफ रानी है जो कि बहुत अलग तरह की वैम्पायर है। वो खून पिए बिना जिंदा रह सकती है। ये एक ना सुलझा हुआ रहस्य है, उसकी जिंदगी का एक मकसद है, उसे अपनी बहन के साथ रहना है, जो है शिल्पा।
शिल्पा, एक वही है जिसे अपनी जिंदगी का मकसद अच्छी तरह से मालूम है, और वो है अपने दर्द के कारण का डटकर सामना करना, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसके दुश्मन शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। हम सब भले ही अलग हों, पर अभी हमारा नजरिया इस मामले को लेकर एक ही है, बुराई को रोकना। भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। सर, कल के लिए सब कुछ तैयार है। अच्छा है। ओके सर।
अब सब कुछ तैयार है, सही वक्त का इंतजार करना है। बहुत अच्छे। पता है मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि शिल्पा की टीम यहां आएगी? अगर वो लोग यहां पर आएंगे तो उनका मरना तय है। मैं उनके स्वागत के लिए तैयार हूं। ए सुनो, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। चलो अच्छी बात है। इतना जल्दी कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया ये? जैसा कि हमने तहकीकात की थी तब यहाँ बहुत कम लोग थे। चलो अब देखते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। सही कह रहे हैं। तुम गाड़ी रेडी रखना, यहाँ से निकलते ही हम लोग भाग जाएंगे। ऐसा है तो मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। अगर इस बारे में बात करें तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हमें बिल्डिंग में घुस के 40 बॉम्ब्स को रोकना होगा। हमारे पास यही एक मौका है, हम इसे गवा नहीं सकते हैं। चीफ की बात याद करें तो ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। अभी दूसरा झुंड भी आ रहा है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। सही फ्लोर का बटन दबाया था ना? वैसे
हम जब वहां पहुंच जाएंगे तो धनराज का कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा उनके खून से। तुम पागल हो। कबीर, सुजन संभाल के रहना। लेकिन सर, क्या ये फ्रेज टू है जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले थे? सही समझे? सही कहा, तुम वही लोग हो जिनसे धनराज नफरत करते हैं। अब क्या करें? यहीं पे इस फेज टू को बंद करेंगे, और क्या कर सकते हो तो करो करो। रुक जाओ, मुझे लगता है कि धनराज इस वक्त लेफ्ट विंग में है, मैं देखता हूं। रुक जाओ। पर क्यों? पहले मैं आगे जाऊंगा, बस अभी आया। हमारा स्वागत इस तरह होगा, ये मुझे नहीं मालूम था। आ जाओ। कबीर, मैंने सुना है कि तुम जान लेने में बहुत माहिर हो, तो फिर आ जाओ और दिखाओ अपनी काबिलियत। वो तो तुम्हें दिख जाएंगे, पहले ये छुपना तो बंद करो, मारो दिखाते हैं। सर, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। चलो सुजन। Oh!
सब साफ हो गया, आ जाओ। सुजन, चलो। बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई रानी। ओ, मैं कितना बदतमीज हूं ना। क्यों शिल्पा, तुम्हारे बारे में लोगों से सुना है, खासकर तुम्हारी इस बहन के बारे में। चुप करो, और तुम अब क्या करने वाले हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहती हो। तुम्हें हीरो बनना है क्या? सही कहा ना? नहीं, मैं तुम्हें मारने आई हूं। अपनी बहन के सामने होशियारी दिखा रही हो, पर जब तुम मेरे साथ थी, तुम्हें याद है, तुम अपनी मौत की भीख मांग रही थी मुझसे। हिलना मत, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तुम जानते हो, तुम लोगों को यहां देखकर मैं इतना खुश क्यों हूं? मैं तुम लोगों को मारकर पूरे शहर पर राज करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें यही चाहिए है ना? पूरा हो गया, ये सब करना बंद करो धनराज। Thank you.
तुम सब पागल हो गए हो। जो मैं कर रहा हूं उससे लोगों को मदद मिलेगी। सभी लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। किसी की जिंदगी का तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। ये दुनिया ताकतवर लोगों की है, ना कि तुम जैसे कमजोर लोगों की। बात करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पहला सेट काम कर रहा है, बस एक और मेरा सपना पूरा हो जाएगा।
उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए होंगी ताकि वो लोगों में ब्लड बॉम्ब प्लांट कर सकें। जब खून का धुआं इस पूरे शहर में फैल जाएगा जो कि वैम्पायर का खून है, और उसके बाद शुरू होगा उनका आखिरी प्रोसेस ड्रोन। उसमें मौजूद होगा खून का दूसरा सेट जो बाद में रिलीज किया जाएगा, जो पहले रिलीज ब्लड को और खतरनाक बना देगा। वो ब्लड धनराज के द्वारा पूरे शहर में छोड़ा जाएगा जो बादलों के बनने के प्रोसेस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देगा। उसके बाद पूरा का पूरा शहर धनराज के नियंत्रण में हो जाएगा। कम शब्दों में समझें तो ये शहर धनराज के कब्जे में होगा। उसके बाद उसे इस देश पर कब्जा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। Yeah.